हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लेशन, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर हम डे टू डे लाइफ की भी बात करें, आए दिन हम इन्फ्लेशन के बारे में सुनते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, इसलिए डे टू डे लाइफ में भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आई एम श्योर आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल और उस ग्रुप को ज्वाइन करो। और अगर आप मेरे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स ऑन मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड इकोनॉमिक्स देखना चाहते हो, मलिक ट्यूटोरियल पे क्लिक करो, प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाओ, वहां पे आपको सारी प्लेलिस्ट, डिटेल वीडियो लेक्चर्स की भी एंड एमसीक्यूज की भी मिल जाएंगी। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मे बी डिफाइंड एज सस्टेन्ड अपवर्ड ट्रेंड इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस एंड नॉट द प्राइस ऑफ ओनली वन आर टू गुड्स। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन एक सस्टेन्ड अपवर्ड ट्रेंड होता है जो इकोनॉमी में एक जनरल प्राइस लेवल प्रिवेल कर रहा है। जब वो इंक्रीज हो और अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। या आप इसको सिंपल वर्ड्स में याद रख सकते हो, इन्फ्लेशन क्या होता है? जब बहुत सारी कॉमोडिटीज की प्राइसेस इंक्रीज करें और अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसी को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। नाउ एक इकोनॉमिस्ट है कॉलबर्न, वो इन्फ्लेशन को किस तरह से डिफाइन करते हैं? Too much money chasing too few goods। कॉलबर्न कहते हैं इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे बहुत सारा पैसा few goods को चेज करता है। जब बहुत सारा पैसा few goods को चेज करेगा तो उन गुड्स की प्राइसेस क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो एक सिचुएशन आएगी, उसको हम कहेंगे इन्फ्लेशन। एक और इकोनॉमिस्ट है गैरग्रे, वो क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन इज अ स्टेट ऑफ abnormal decrease in the quantity of purchasing power। Now inflation एक ऐसी situation होती है जहां पे जो money की purchasing power है वो क्या हो जाती है? Decrease हो जाती है। जैसे यहां पे मैंने diagram में आपको समझाया है, जैसे जैसे prices क्या हो जाएंगी? Increase हो जाएंगी, जो value of money है वो क्या हो जाएगी? Decrease हो जाएगी। अब ये कैसे होगा? यहां पे मैंने आपको diagrammatically समझाया है। देखो 2000 में 100 रुपीज की हम इतनी सारी चीजें खरीदते थे, यानी ये हमारे पास उस वक्त 100 रुपीज की क्या थी? परचेजिंग पावर थी। उसके बाद 2010 में देखो, 2010 में हम 100 रुपीज की सिर्फ इतनी चीजें खरीदने लगे, यानी ये हमारे पास 2010 में 100 रुपीज की क्या है? परचेजिंग पावर है। उसके बाद अगर हम 2018 की बात करें तो यहां पे हमें सिर्फ 100 रुपीज में एक ही चीज मिलती है, यानी कि क्या हुआ? जो हमारे पास मनी है उसकी परचेजिंग पावर क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। अब ये डिक्रीज क्यों हो गई? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द प्राइसेस। 2000 में प्राइसेस कम थी इसलिए हम बहुत सारी चीजें खरीदते थे, 2010 में थोड़ी इंक्रीज हो गई और हमारी जो चीजें हैं वो कम हो गई, अब हम उतनी चीजें नहीं खरीद पाएंगे 100 रुपीज में, ठीक है। और अगर हम 2018 की बात करें तो यहां पे सिर्फ हम एक ही चीज खरीद पाए बिकॉज प्राइसेस काफी ज्यादा हाई हो गए। तो ये था हमारे पास परचेजिंग पावर, यानी कि जब इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन में प्राइसेस क्या हो जाएंगी? इंक्रीज हो जाएंगी। जब प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी, जो वैल्यू ऑफ मनी है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। हेंस हम ये कह सकते हैं देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू ऑफ मनी। जब प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज हो जाएगा। इसी तरह से जब प्राइसेस डिक्रीज हो जाएंगी, वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज हो जाएगा, यानी जब प्राइसेस कम होगा हम बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं जैसा हम 2000 में खरीदते थे। तो ये था हमारे पास मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। अगर आपको समझ आ रही है प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ
इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की बहुत सारी टाइप्स हैं, अब हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेस। इन्फ्लेशन के कोई कॉज होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन। फर्स्ट हमारे पास है करेंसी इन्फ्लेशन। द एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी इन सर्कुलेशन कॉजेज राइज इन प्राइस लेवल। जब इन्फ्लेशन अकर हो ड्यू टू एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी, उस वजह से जो प्राइसेस इंक्रीज हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, करेंसी इन्फ्लेशन। नाउ जब लोगों के पास बहुत सारा पैसा होगा वो क्या करेंगे, वो डिमांड भी बहुत करेंगे। जब वो डिमांड बहुत ज्यादा करेंगे गुड्स की, तो उन गुड्स की प्राइसेस क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। तो देयर इज अ सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि जब सप्लाई ऑफ मनी की वजह से इन्फ्लेशन अकर हो जाएगा, उस इन्फ्लेशन को हम क्या कहते हैं, करेंसी इन्फ्लेशन। नेक्स्ट हमारे पास है क्रेडिट इन्फ्लेशन। व्हेन बैंक सैंक्शन मोर लोन्स एंड एडवांसेस टू द पब्लिक देन व्हाट द इकोनॉमी नीड्स, सच क्रेडिट एक्सपेंशन लेड्स टू अ राइज इन प्राइस लेवल। नाउ जब बैंक्स लोन को सैंक्शन करते हैं, यानी बैंक्स जो है लोन प्रोवाइड करते हैं लोगों को, उस वजह से लोगों के पास क्या आ जाते हैं, पैसे आ जाते हैं। नाउ जब एक बैंक जितनी इकोनॉमी में नीड है उससे ज्यादा लोन सैंक्शन करेंगे, उससे बहुत ज्यादा पैसा लोगों के पास आएगा, और उससे क्या करेंगे, लोग ज्यादा डिमांड करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज की, उसकी वजह से भी प्राइस के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। तो उस वजह से जो इन्फ्लेशन क्रिएट होगा उसको हम कहेंगे क्रेडिट इन्फ्लेशन। नेक्स्ट हमारे पास है डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। जब बजट डेफिसिट रिफ्लेक्ट करेगी, यानी जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, यानी जो गवर्नमेंट का खर्चा है वो ज्यादा आ रहा है और जो इनकम है वो कम आ रही है। अब ये जो ज्यादा खर्चा है इसको फुलफिल करने के लिए अगर गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक को ये कहेगी कि आप एडिशनल नोट्स प्रिंट करो, उस वजह से क्या होगा, जो सप्लाई ऑफ मनी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो जाएगी उस वजह से लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, जब लोग गुड्स की ज्यादा डिमांड करेंगे उस वजह से उन गुड्स की प्राइसेस भी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। जब प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगी देयर इज अ सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन, उस इन्फ्लेशन को हम कहेंगे डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन, यानी डेफिसिट बजट की वजह से जो इन्फ्लेशन क्रिएट हुआ उस इन्फ्लेशन को हम कहेंगे डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉफिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। व्हेन द फर्म्स एम एट अ हायर प्रॉफिट दे फिक्स द प्राइस विद हायर मार्जिन सो प्राइस गो अप। नाउ एक फर्म के दो गोल हो सकते हैं, आइदर उसको अपनी मार्केट एक्सपेंशन करनी है, दूसरा उसको अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। अगर फर्म का ये गोल हो कि मुझे अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, उस वजह से वो क्या करेगी, जो प्राइसेस है गुड्स की वो इंक्रीज करेगी। जब प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी देयर इज अ सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन, और उस इन्फ्लेशन को हम कहेंगे प्रॉफिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। नेक्स्ट हमारे पास है स्कैर्सिटी इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। वो इन्फ्लेशन जो क्रिएट हो किसकी वजह से, स्कैर्सिटी ऑफ गुड्स, यानी जब गुड्स की कमी हो जाए। अब कमी कैसे हो सकती है, या तो प्रोडक्शन कम हो जाए, जैसे फॉर्म गुड्स की राइस वीट एंड सो ऑन, जब इनकी प्रोडक्शन ही कम हो जाएगी तो देयर विल बी स्कैर्सिटी ऑफ राइस वीट, और इस वजह से भी प्राइसेस इंक्रीज हो सकती हैं। या दूसरा हमारे पास रीजन हो सकता है होर्डिंग। नाउ होर्डिंग क्या होता है, जमाखोरी करना। जो एक सेलर है वो क्या करेगा, जैसे राइस है तो राइस की डंपिंग करेगा, ठीक है। जब मार्केट में राइस की प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी तो उस वक्त वो क्या करेगा, अपने जो उसने राइस डंप करके रखा है उसको वो बेचेगा, उस वजह से भी मार्केट के अंदर क्या हो जाएगी, प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी। तो इस वजह से जो इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगा उसी को हम कहते हैं स्कैर्सिटी
इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। नेक्स्ट हमारे पास है टैक्स इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन, वो इन्फ्लेशन जो क्रिएट हो बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द इनडायरेक्ट टैक्सेस। जब गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी को इंक्रीज करे, यानी जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं विद इन द कंट्री उनके ऊपर टैक्सेस इंक्रीज करे, या कस्टम ड्यूटी जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट्स उनके ऊपर टैक्स इंक्रीज करे, या सेल टैक्स, इन सब टैक्सेस को जब गवर्नमेंट क्या करती है, इंक्रीज करती है, उस वजह से भी उन गुड्स की प्राइसेस क्या हो जाती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं। तो उस वजह से भी इन्फ्लेशन क्रिएट होता है, उस इन्फ्लेशन को हम कहते हैं टैक्स इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। नेक्स्ट हमारे पास है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। नाउ डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, जब एग्रीगेट डिमांड यानी कि टोटल डिमांड ज्यादा हो जाएगी टू द अवेलेबल आउटपुट, जो हमारे पास अवेलेबल आउटपुट है उससे ज्यादा डिमांड होगी, उस वजह से क्या हो जाएगा, जो अवेलेबल आउटपुट होगा उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन क्रिएट होगा उसको हम कहेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। यहां पे मैंने बताया है एग्रीगेट डिमांड, जब एग्रीगेट डिमांड यानी टोटल डिमांड ज्यादा हो जाएगी टू द टोटल सप्लाई यानी एग्रीगेट सप्लाई, उस वजह से जो इन्फ्लेशन क्रिएट होगा उसी को हम कहेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। यहां पे आपको एक और चीज याद रखनी है, जितना डिफरेंस होगा यानी एग्रीगेट डिमांड जितना ज्यादा होगा एग्रीगेट सप्लाई से, उस गैप को हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। ओके, नाउ अगर आपको कोई कहे इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, आप उसको कह देना कि जितना एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगा एग्रीगेट सप्लाई से, उसी गैप को हम क्या कहेंगे, इन्फ्लेशनरी गैप। ओके, यहां पे मैंने समझाया है इंक्रीज्ड इनकम, जब लोगों के पास इनकम इंक्रीज हो जाएगी उस वजह से क्या करेंगे, वो एडिशनल डिमांड करेंगे यानी ज्यादा डिमांड करेंगे, जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतनी प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी, उस वजह से जो इन्फ्लेशन क्रिएट होगा उसको हम कहेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। या मैंने यहां पे फिगर में समझाया है, बहुत सारा पैसा फ्यू गुड्स को क्या कर रहा है, चेज कर रहा है, तो उस वजह से क्या हो जाएगा, जो ये गुड्स है ना इनकी प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी, जब इनकी प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी देयर विल बी अ सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन, और उसी इन्फ्लेशन को हम कहेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ओके, नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन के क्या क्या कॉजेज हैं, फर्स्ट हमारे पास है ग्रोइंग इकोनॉमी। जब इकोनॉमी एक ग्रोइंग लेवल पे हो तो उस वक्त जो कंज्यूमर है वो कॉन्फिडेंट होगा कि मैं आराम से पैसे स्पेंड कर सकता हूं, कोई भी डेट ले सकता हूं, बिकॉज इकोनॉमी क्या हो रही है, ग्रो हो रही है, तो उस वजह से क्या हो जाएगी, जो डिमांड है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो जाएगी, तो जितनी डिमांड इंक्रीज होती रहेगी उस वजह से जो प्राइसेस हैं वो भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, तो ये भी एक कॉज है डिमांड पुल इन्फ्लेशन का। नेक्स्ट हमारे पास है इंक्रीज इन पॉपुलेशन। नाउ अगर पॉपुलेशन ज्यादा इंक्रीज हो एज कंपेयर टू द आउटपुट, यानी जितना हमारे पास अवेलेबल आउटपुट है उससे ज्यादा रेट पे जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होगी, तो उस वजह से जो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी वो ज्यादा डिमांड करेगी, तो उस वजह से भी प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी, एंड दिस विल बी आल्सो कॉज फॉर डिमांड पुल इन्फ्लेशन। नेक्स्ट हमारे पास है इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। नाउ डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, वो इनकम जो लोगों के पास बचती है आफ्टर द डिडक्शन ऑफ टैक्स, यानी टैक्स पे करने के बाद जो उनके पास अपनी इनकम बचती है, जेब में जो इनकम होती है उसी को हम कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। नाउ जितनी डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी उस वजह से लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, एंड दिस विल लेड्स टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन। नेक्स्ट हमारे पास है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। व्हेन द गवर्नमेंट स्पेंड मोर फ्रीली प्राइसेस गो अप, जब गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्पेंडिंग करेगी उस वजह से भी लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा, जब लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा तो दिस इज ऑल्सो अ कॉज फॉर डिमांड पुल इन्फ्लेशन। नेक्स्ट हमारे पास है मोर मनी इन द सिस्टम।
जब सिस्टम में जो मनी सप्लाई है वो काफी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दी गुड्स, गुड्स कम है बट सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा है, उस वजह से भी लोग डिमांड ज्यादा करेंगे एंड दिस विल आल्सो लेड्स टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन। नेक्स्ट हमारे पास है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। नाउ जब फ्यूचर में लोगों को यह लगे कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन होने वाला है तो उस वजह से लोग क्या करेंगे, प्रेजेंटली वो बहुत सारी चीजें खरीदेंगे बिकॉज उनको ये लग रहा है कि आगे प्राइसेस बढ़ने वाली हैं, तो प्रेजेंटली वो बहुत सारी चीजें खरीदेंगे, उस वजह से भी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी एंड जब डिमांड इंक्रीज हो जाएगी दिस विल आल्सो लेड्स टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन। एक और कॉज यहां पे ऐड कर देना, सेवेंथ, नेशनल डेट। नाउ जब एक कंट्री को कर्जा होगा उसके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो टैक्सेस को इंक्रीज करेगी, ओके, या वो मोर मनी क्रिएट करेगी, वो सेंट्रल बैंक को कहेगी कि आप बहुत सारा पैसा क्रिएट करो, ठीक है। नाउ अगर उसने सेंट्रल बैंक को ये कहा कि आप पैसे क्रिएट करो, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो जाएगा। जब सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज होगा उस वजह से भी लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा एंड लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, दिस विल आल्सो लेड्स टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। नाउ कभी कभार क्या होता है, जो एग्रीगेट डिमांड है यानी जो टोटल डिमांड है वो कॉन्स्टेंट रहती है, यानी उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं हो रही है, बट स्टिल जो प्राइसेस है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। अब ये प्राइसेस इंक्रीज क्यों होगी, बिकॉज ऑफ ओवरऑल इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी उस वजह से भी जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज होंगी और उस वजह से जो इन्फ्लेशन क्रिएट होगा उसी को हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी वो इन्फ्लेशन जो कॉस्ट की वजह से हो उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब हम डिस्कस करेंगे causes of cost push inflation. First हमारे पास है wage push inflation. When the increase in the wages of labor is more than the increase in their productivity. Now जब laborer की wages ज्यादा increase हो जाए as compared to their production, production वो कम कर रहे हैं लेकिन उनको जो wages मिल रही है वो ज्यादा मिल रही है। अब ये situation कब होगी, जब देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लेबर यूनियन, जब जो लेबर यूनियन है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होगी, वो धरने पे बैठेगी, वो लेबरर को कहेगी कि काम बंद करो, उस वजह से फर्म को जो वेजेस है लेबरर की वो इंक्रीज करनी पड़ेगी बट उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो वो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो कम है, उस वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी एंड ड्यू टू विच there is an increase in prices and this will leads to cost push inflation. और जब wages की वजह से prices increase हो जाएं, उसको हम inflation spiral भी कहते हैं, इसको आपने याद रखना है। Second हमारे पास है declining productivity or hoarding of commodities. जैसे मैंने अभी starting में ही आपको example दी थी farm production की, जब प्रोडक्शन कम हो जाएगी, जैसे मैंने आपको राइस की एग्जांपल दी थी, जब उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी उस वजह से भी प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी, या होर्डिंग ऑफ कमोडिटीज, जब एक फर्म या जो सेलर है वो कमोडिटीज को, गुड्स को होर्ड करके रखेगा, डंप करके रखेगा, उसके बाद जब उनकी प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी उस वक्त बेचेगा, दिस विल आल्सो लेड्स टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। थर्ड हमारे पास है increase in price of inputs. Now जो production में inputs use हो रहे हैं, जैसे capital है, laborers हैं, land है, जब उनकी prices भी increase हो जाएगी, उस वजह से भी cost of production increase होगी and this will also leads to cost push inflation. Fourth हमारे पास है increase in indirect taxes. जब indirect taxes increase हो जाएंगे, उस वजह से भी cost of production increase होगी and this will also leads to cost push inflation. And fifth हमारे पास है supply shock inflation.
नाउ सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन क्या होता है, जब एकदम से अनएक्सपेक्टेड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी मेजर कॉमोडिटीज की, जैसे हमारे पास ऑयल है, स्टील है, आयरन है, जब उनकी सप्लाई एकदम से क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, उस वजह से भी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, एंड दिस विल लेड्स टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड और इंटेंसिटी, यानी जो इन्फ्लेशन है वो तो क्रिएट हो गया, अब किस लेवल का है, कौन सी स्पीड से इंक्रीज हो रहा है, उस बेसिस पे हम इन्फ्लेशन के टाइप्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, या हम इसको कहते हैं मॉडरेट इन्फ्लेशन। नाउ व्हेन द प्राइसेस आर जेंटली राइजिंग, जब प्राइसेस जो है आराम से इंक्रीज कर रही हूं, उसको हम क्या कहते हैं, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। जैसे यहां पे मैंने डायग्राम में बनाया है, बच्चा क्या कर रहा है, क्रैवल कर रहा है, इसी तरह से जब इन्फ्लेशन भी आराम से क्रैवल करेगा, यानी आराम से इंक्रीज हो जाएंगी प्राइसेस, उसको हम कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। इट इज द माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन, यानी ये सबसे स्लोएस्ट फॉर्म ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस है, इसीलिए जो हमारे पास क्रीपिंग इन्फ्लेशन है इसको हम माइल्ड इन्फ्लेशन भी कहते हैं या लो इन्फ्लेशन भी कहते हैं, और जो रेंज है प्राइस इंक्रीज होने का वो नॉट मोर देन 3% है, यानी बिलो 3% होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है वॉकिंग इन्फ्लेशन और ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। नाउ वॉकिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, जो रेट क्रीपिंग इन्फ्लेशन का है प्राइस इंक्रीज होने का, उससे ज्यादा हो जाए, यानी व्हेन द रेट ऑफ राइजिंग प्राइसेस इज मोर देन क्रीपिंग इन्फ्लेशन। पहले जो बच्चा था वो क्या कर रहा था, ट्रैवल कर रहा है, अब वो क्या कर रहा है, चल रहा है, इस तरह से जब इन्फ्लेशन चलेगा, इंक्रीज हो जाएंगी प्राइसेस, उसको हम क्या कहते हैं, वॉकिंग इन्फ्लेशन। और जो प्राइस रेंज है वो है 3% to 9%। जब पर ईयर 3% से लेके 9% तक जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी, उसको हम कहेंगे वॉकिंग इन्फ्लेशन। नेक्स्ट हमारे पास है रनिंग इन्फ्लेशन। नाउ जब प्राइसेस वॉकिंग इन्फ्लेशन से ज्यादा रेट पे इंक्रीज हो रही है, यानी जो प्राइसेस है 9% से ज्यादा इंक्रीज करेंगी पर एनम, उसी को हम कहेंगे रनिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। और जो रेंज है वो 10% से लेके 20% तक है पर एनम। ये जो मैंने यहाँ पे रेंज लिखी है ये कोई फिक्स रेंज नहीं है, डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के डिफरेंट व्यू है, बट ओवरऑल इन जनरल अगर हम देखेंगे तो यही रेंज है, ठीक है। इसलिए जो इंक्रीज इन प्राइसेस पर एनम है, अगर वो 10% से लेके 20% के बीच में है, उसको हम कहेंगे रनिंग इन्फ्लेशन। जैसे यहां पे मैंने, ये जो बच्चा है क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, पहले क्रैवल कर रहा है, हो गया क्रीपिंग इन्फ्लेशन, फिर चल रहा है, हो गया वॉकिंग और ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन, ओके, उसके बाद अब दौड़ रहा है, हो गया रनिंग इन्फ्लेशन। नेक्स्ट हमारे पास है गैलपिंग इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन। नाउ गैलपिंग इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन को हम डबल और ट्रिपल डिजिट इन्फ्लेशन भी कहते हैं, बिकॉज जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज होती हैं आइदर डबल डिजिट्स में और ट्रिपल डिजिट्स में, जैसे अबो 20%, बिकॉज जो रनिंग इन्फ्लेशन है वो हमने लिया था 20% तक, ठीक है। जब 20% से ज्यादा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 30% और 400% और 9900% पर एनम प्राइसेस इंक्रीज हो जाए, उस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, गैलपिंग इन्फ्लेशन। और ये जो गैलपिंग इन्फ्लेशन या हाइपर इन्फ्लेशन है, ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन होता है। जैसे यहां पे मैंने डायग्राम में समझाया है, घोड़ा क्या कर रहा है, बिल्कुल फास्ट स्पीड से दौड़ रहा है, इसी तरह से जब इन्फ्लेशन इसी स्पीड से दौड़ेगा, उसको हम कहेंगे गैलपिंग इन्फ्लेशन या हाइपर इन्फ्लेशन। सच अ सिचुएशन ब्रिंग्स अ टोटल कोलैप्स ऑफ द मॉनेटरी सिस्टम, जो भी एक कंट्री का मॉनेटरी सिस्टम है वो एकदम से कोलैप्स हो जाता है, बिकॉज हाइपर इन्फ्लेशन में प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती हैं, जिसके वजह से जो परचेजिंग पावर ऑफ मनी है वो बहुत ज्यादा गिर जाती है। सो दिस इज द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन। कुछ इकोनॉमिस्ट गैलपिंग इन्फ्लेशन को सेपरेट लिखते हैं और हाइपर इन्फ्लेशन को सेपरेट लिखते हैं। जो गैलपिंग इन्फ्लेशन है
इसको वो कहते हैं डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट इन्फ्लेशन, और ये जो हाइपर इन्फ्लेशन है ना इसको कहते हैं वो फोर डिजिट इन्फ्लेशन। अगर आपको एग्जामिनेशन में इस तरह से क्वेश्चन आए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन, और अगर आपके पास गैलपिंग इन्फ्लेशन भी है और हाइपर इन्फ्लेशन भी है, तो उस केस में आप टिक किसको करोगे, हाइपर इन्फ्लेशन को, ठीक है। बट ज्यादातर जो इकोनॉमिस्ट है वो दोनों को क्या करते हैं, एक ही कंसीडर करते हैं। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। नाउ इन्फ्लेशन का डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे डिफरेंट इफेक्ट पड़ता है, कोई सेक्शन ज्यादा गेन करता है, कोई बहुत ज्यादा लॉस में जाता है और कोई मॉडरेट में रहता है। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन सेवर्स। नाउ इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे प्राइसेस काफी ज्यादा हाई होती हैं। जब प्राइसेस काफी ज्यादा हाई होंगी उस वजह से जो सेवर की इनकम है उसका मेजोरिटी पोर्शन कंजप्शन पे खर्च हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से वो सेव कम कर पाएगा। हेंस हम ये कह सकते हैं इन्फ्लेशन डिस्करेजेस सेविंग। इन्फ्लेशन क्या करता है, सेविंग को डिस्करेज करता है, कम करता है। नेक्स्ट हमारे पास है इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन प्रोड्यूसर्स एंड बिजनेसमैन। नाउ इन्फ्लेशन का इंपैक्ट प्रोड्यूसर एंड बिजनेसमैन पे क्या पड़ता है, जो इन्फ्लेशन का इंपैक्ट है प्रोड्यूसर और बिजनेसमैन पे, इसको हम दो टाइम पीरियड में डिस्कस करेंगे, पहले शॉर्ट पीरियड में। नाउ शॉर्ट पीरियड में जब प्राइसेस राइज हो जाती हैं तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो उस स्पीड से राइज नहीं होती है जिस स्पीड से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी, यानी जो कॉस्ट रॉ मटेरियल की है वो एकदम से उतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी, बट जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं वो उनकी प्राइसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो प्रोड्यूसर है या बिजनेसमैन है उसको क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा, वो प्रॉफिट अर्न करेगा। बट अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करेंगे, लॉन्ग टर्म में जब उनकी कॉमोडिटीज की प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी उस वजह से लोग जो है कंज्यूम कम करेंगे, जिसकी वजह से जो कंजप्शन है वो कम हो जाएगी। जब कंजप्शन कम हो जाएगी यानी लोग उतना ज्यादा नहीं खरीदेंगे, जो कॉस्ट है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, उस वजह से जो प्रोड्यूसर हैं और बिजनेसमैन है उनको भी क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा या उनका जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर। नाउ डेटर्स कौन लोग होते हैं, वो लोग जो बारो करते हैं यानी जो उधार लेते हैं, और क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं या वो इंस्टीट्यूट होता है जो उधार देता है। नाउ इन्फ्लेशन में जो डेटर्स है जिसने कर्जा लिया है उसको फायदा होता है और क्रेडिटर को लॉस होता है। अब ये कैसे होता है मैं आपको इस डायग्राम से समझाता हूं। नाउ देखो लेट अस सपोज दैट एक डेटर है, उसने बारो किया 2000 में लोन, यानी 2000 में उसने क्या किया, लोन लिया। उस वक्त जो उसने पैसे लोन पे लिए उनकी परचेजिंग पावर काफी ज्यादा थी। अगर उसने 100 रुपए लोन लिया तो उस 100 रुपए से जो उसने लोन लिया था इतनी सारी चीजें उसने खरीदी, ठीक है। बट जब वही पैसे वापस करेगा 2018 में, ठीक है, जो डेटर है वो वापस करेगा क्रेडिटर को पैसे 2018 में, जो क्रेडिटर है अब वो उसी 100 रुपए से सिर्फ इतनी चीजें खरीदेगा, बिकॉज अब 100 रुपए की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो गई है, प्राइसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है, जिसके वजह से जो डेटर है वो फायदे में है और जो क्रेडिटर है वो घाटे में है। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारे पास है इंपैक्ट ऑन फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स। इन्फ्लेशन से जो सबसे वोरेस्ट हिट होते हैं वो है फिक्स्ड इनकम वाले, वो लोग जिनकी इनकम फिक्स है, इनकम तो फिक्स है बट प्राइसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। जैसे लेट अस सपोज दैट अगर किसी की इनकम फिक्स है 100 रुपीज, पहले तो वो बहुत सारी 2000 में तो बहुत सारी चीजें वो खरीदता था, कोई इशू नहीं था, बट अभी भी उसकी इनकम क्या है, फिक्स है, अब वो सिर्फ इतनी चीजें खरीद पा रहा है, यानी उसका जो घर का गुजारा है वो भी नहीं हो पा रहा है। इन्फ्लेशन से जो सबसे बुरी तरह जिसको सबसे ज्यादा नुकसान होता है वो कौन लोग हैं, जिनकी इनकम फिक्स होती है। नेक्स्ट हमारे पास है
इंपैक्ट ऑन इन्वेस्टर, इन्फ्लेशन का इन्वेस्टर्स के ऊपर क्या इंपैक्ट है। इन्वेस्टर कौन लोग हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, कोई शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। नाउ फर्स्ट हमारे पास है द इन्वेस्टर्स हु जनरली इन्वेस्ट इन फिक्स्ड इंटरेस्ट यील्डिंग बॉन्ड्स। नाउ वो इन्वेस्टर जो फिक्स बॉन्ड में इन्वेस्ट करें। नाउ बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड जो है यूजुअली कंपनीज और गवर्नमेंट इश्यू करते हैं। अगर कंपनीज को लोन चाहिए वो क्या करते हैं, लोगों को बॉन्ड इशू करते हैं, ठीक है। जैसे एक कागज का टुकड़ा इनको दिया, फिर वो लोगों से कहेंगे आप हमें लोन दे दो, हम आपको इतना इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। अब ये जो इंटरेस्ट है ये तो फिक्स रहेगा, बट जो प्राइसेस हैं वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। इस वजह से जो इन्वेस्टर फिक्स बॉन्ड में जहां पे उनको फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा, अगर उसमें वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पे उनको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा शेयर्स में, यानी कोई इन्वेस्टर है उसने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, ठीक है। नाउ इन्फ्लेशन में प्राइसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो कंपनी है उसको काफी ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो शेयर होल्डर्स को भी प्रॉफिट होगा, ओके। हेंस हम ये कह सकते हैं वो इन्वेस्टर जो शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे उनको इन्फ्लेशन की वजह से काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। तो ये था इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। फर्स्ट हमारे पास है डिफ्लेशन। नाउ डिफ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन है जनरल इंक्रीज इन द प्राइसेस, और जो डिफ्लेशन है वो है जनरल डिक्रीज इन द प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिल्कुल अपोजिट। अगर कभी कभार आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाए व्हाट इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन, तो आप उसको लिख सकते हो एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन इज डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है, जहां पे पूरा जो ओवरऑल प्राइसेस हैं कॉमोडिटीज की वो क्या करें, डिक्रीज हो जाएंगी। डिफ्लेशन अकर्स व्हेन द इन्फ्लेशन रेट फॉल्स बिलो 0%। नाउ जो इन्फ्लेशन रेट है, जब इन्फ्लेशन होता है तब जो रेट ऑफ इंक्रीज इन द प्राइसेस है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। बट डिफ्लेशन में जो रेट होता है प्राइसेस का वो नेगेटिव में होता है, ठीक है, बिलो 0% होता है। इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ करेंसी ओवर टाइम। इन्फ्लेशन में क्या होता है, प्राइसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो वैल्यू ऑफ मनी है वो डिक्रीज हो जाती है। बट डिफ्लेशन में जस्ट अपोजिट है। नाउ डिफ्लेशन में क्या होता है, डिफ्लेशन में प्राइसेस डिक्रीज हो जाती हैं। जब प्राइसेस डिक्रीज हो जाती हैं जो वैल्यू ऑफ मनी है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है रिफ्लेशन। रिफ्लेशन क्या है, रिफ्लेशन इज अ फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी डिजाइंड टू एक्सपेंड आउटपुट, स्टिमुलेट एक्सपेंडिंग एंड कर्ब द इफेक्ट ऑफ डिफ्लेशन। नाउ जब इकोनॉमी में सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन हो या जब इकोनॉमी रिसेशन में हो, बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट है, प्राइसेस काफी ज्यादा कम है, प्रोडक्शन काफी ज्यादा कम हो रही है, उस वक्त जो फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री अप्लाई करती है, डिजाइंड करती है, और जो जो इकोनॉमी है वो थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ आने लगती है, उसी को हम कहते हैं रिफ्लेशन, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है डिसइन्फ्लेशन। नाउ डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्लोइंग ऑफ प्राइस इन्फ्लेशन। लेट अस सपोज दैट जो प्राइसेस हैं वो इस तरह से एकदम से इंक्रीज कर रही है, फिर जब एक ऐसी सिचुएशन आती है ये थोड़ा थोड़ा डिक्रीज करने लगेंगी। ये जो सिचुएशन है ना, जब प्राइसेस जो एक कट लग गया इन्फ्लेशन में, जो थोड़ा नीचे की तरफ होने लगी प्राइसेस, उसी को हम कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, जब इन्फ्लेशन पीक पे पहुंचे हो वहां से जब नीचे की तरफ थोड़ी थोड़ी प्राइसेस डिक्रीज होने लगी। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्यूफ्लेशन। नाउ स्क्यूफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे कुछ सेक्टर्स में इन्फ्लेशन हो और कुछ सेक्टर में डिफ्लेशन हो, यानी कोई कॉमोडिटीज ऐसी हैं जिनकी प्राइसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही हैं और कुछ कॉमोडिटीज ऐसी हैं जिनकी प्राइसेस काफी ज्यादा डिक्रीज हो रही है। उसके बाद फिफ्थ हमारे पास है क्रॉनिक इन्फ्लेशन।
It is an economic phenomena occurring when there is a rise in the price for a prolonged period of time. जब इन्फ्लेशन काफी लंबे समय तक रहे, यानी जब प्राइसेस इंक्रीज हो जाए काफी लंबे समय तक, उसी को हम कहते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेशन। नेक्स्ट हमारे पास है फिलिप्स करो। फिलिप्स करो का कॉन्सेप्ट, एल्बन विलियम फिलिप्स एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट था, उसने फिलिप्स करो का कॉन्सेप्ट दिया। नाउ फिलिप्स करो क्या करती है? फिलिप्स करो शो करती है रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब ये किस तरह का रिलेशनशिप शो करती है? देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। फिलिप्स करो कहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन में इनवर्स रिलेशनशिप होगा, यानी अगर हमारे पास इन्फ्लेशन काफी ज्यादा होगा, जैसे यहां पे 5% इन्फ्लेशन है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो सिर्फ 3% है, और जब इन्फ्लेशन कम हो गया जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज हो गई, 3% से लेके 6% तक चली गई। ठीक है, इसका जो कंक्लूजन है हम ये कह सकते हैं, फिलिप्स कर्व कहती है इन्फ्लेशन रिड्यूसेस अनएम्प्लॉयमेंट। जितना ज्यादा इन्फ्लेशन होगा उतनी ही अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ओके, और जो फिलिप्स कर्व का स्लोप है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, सिंपल आपने क्या याद रखा? फिलिप कर्व, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? एल्बन विलियम फिलिप्स एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट था, और जो फिलिप कर्व है इसका स्लोप लेफ्ट से राइट की तरफ डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और फिलिप कर्व ये कहती है जो इन्फ्लेशन है और अनएम्प्लॉयमेंट है इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी जितना ज्यादा इन्फ्लेशन होगा उतनी कम क्या होगी? अनएम्प्लॉयमेंट होगी, और जितना कम इन्फ्लेशन होगा उतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है स्टैगफ्लेशन। नाउ स्टैगफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है इकोनॉमी में जहां पे रेट ऑफ इन्फ्लेशन काफी ज्यादा हाई हो, यानी प्राइसेस काफी ज्यादा इंक्रीज कर रही है, बट जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका रेट बहुत कम है, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी काफी ज्यादा है। जैसे अगर आप प्रेजेंट की सिचुएशन देखोगे, प्रेजेंटली प्राइसेस दिन ब दिन काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है, बट अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा है, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो भी काफी ज्यादा स्लो है, तो प्रेजेंट सिचुएशन आप कह सकते हो प्रेजेंटली देयर इज अ सिचुएशन ऑफ स्टैगफ्लेशन इन इंडिया। अगर हम इंडिया की बात करें, सच अ सिचुएशन अरोजेस फर्स्ट इन द यूएस इन 1970। जो स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन है ये फर्स्ट टाइम अराइज कहां हुई थी? यूएस इकोनॉमी में इन 1970s। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे मॉनिटरिस्ट थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन। सिंस हमारे सिलेबस में है मनी एंड इन्फ्लेशन, इसलिए इस थ्योरी का पढ़ना जरूरी है। अगर आपके सिलेबस में सिर्फ इन्फ्लेशन है तो आप यहीं तक इस वीडियो को देखिएगा। नाउ मॉनिटरिस्ट कौन से इकोनॉमिस्ट हैं? मॉनिटरिस्ट वो इकोनॉमिस्ट हैं जो ये कहते हैं सप्लाई ऑफ मनी इज द प्राइमरी फैक्टर इफेक्टिंग द डिमांड इन एन इकोनॉमी। यानी कि जो सप्लाई ऑफ मनी है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू डिटरमाइन द डिमांड इन एन इकोनॉमी। ठीक है, नाउ मॉनिटरिस्ट एक्सप्लेन द इमरजेंस ऑफ एक्सेस डिमांड एंड द रिजल्टेंट राइज इन प्राइस ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन मनी सप्लाई। जो मॉनिटरिस्ट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसको देते हैं? सप्लाई ऑफ मनी को। मॉनिटरिस्ट ये कहते हैं जो एक्सेस डिमांड है और इस एक्सेस डिमांड की वजह से जो प्राइस इंक्रीज हो गई है ये किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। फ्रिडमैन एक मॉनिटरिस्ट इकोनॉमिस्ट था, वो क्या कहता है? इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एंड एवरीवेयर अ मॉनेटरी फिनोमिना। फ्रिडमैन ये कहता है जो इन्फ्लेशन है ये हर वक्त और हर जगह क्या है? मॉनेटरी फिनोमिना है, यानी इन्फ्लेशन हमेशा किसकी वजह से होगा? बिकॉज ऑफ सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी एंड कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली बाई अ मोर रैपिड इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी देन इन आउटपुट। फ्रिडमैन ये कहता है जो इन्फ्लेशन है
इसको और ज्यादा रैपिड किया जा सकता है, और ज्यादा इंक्रीज किया जा सकता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी, यानी क्वांटिटी ऑफ मनी से जो ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा इन्फ्लेशन पे उतना आउटपुट के इंक्रीज होने इसकी वजह से नहीं पड़ेगा। क्या कहता है फ्रिडमैन, यानी जो क्वांटिटी ऑफ मनी है ये एक प्राइमरी, ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इफ यू वांट रैपिड इंक्रीज इन द इन्फ्लेशन। वो ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दे रहा है, क्वांटिटी ऑफ मनी को एज कंपेयर टू आउटपुट। नाउ फ्रिडमैन क्या कहता है, व्हेन मनी सप्लाई इज इंक्रीज्ड इन द इकोनॉमी, फ्रिडमैन ये कहता है जब एक इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज किया जाए। नाउ सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था, सप्लाई ऑफ मनी होता है लोगों के पास, एक इकोनॉमी में लोगों के पास कितना पैसा है उसी को हम क्या कहते हैं, सप्लाई ऑफ मनी। नाउ फ्रिडमैन ये कहता है जब एक इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज किया जाए उस वजह से क्या होगा, एक्सेस ऑफ सप्लाई ऑफ रियल मनी बैलेंस, उसकी वजह से जो पब्लिक है, जो लोग हैं, उनके पास जो सप्लाई ऑफ मनी है यानी उनके पास जो अवेलेबल मनी है वो क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। लेकिन कौन सा मनी, रियल मनी, यानी जो परचेजिंग पावर है वो भी उतनी ही रहेगी, यानी ज्यादा पैसों की वजह से जो परचेजिंग पावर है वो कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर क्या कहता है, दिस डिस्टर्ब्स द इक्विलिब्रियम, फ्रिडमैन ये कहता है जब लोगों के पास जो मनी है, जो मनी बैलेंस है वो ज्यादा आ जाए जितनी वो डिमांड करते हैं, लेट अस सपोज दैट ए पर्सन है, उसकी जो डिमांड फॉर मनी है वो सिर्फ 500 रुपीज है, जब इस ए पर्सन के पास 1000 रुपीज आएंगे, यानी जो 500 है वो ज्यादा हो गई, उसकी डिमांड कितनी थी, सिर्फ 500 रुपए, यानी मुझे सिर्फ 500 रुपए चाहिए लेकिन मेरे पास क्या आ गया, 1000 रुपए आ गया, इसके वजह से जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इन ऑर्डर टू रेस्टोर द इक्विलिब्रियम पब्लिक विल रिड्यूस द मनी बैलेंस बाय इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर, इसकी वजह से जो लोग हैं, जो उनके पास एक्स्ट्रा पैसे आ गए उसको वो खत्म करेंगे, कैसे, बाय एक्सपेंडिचर, वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे। जैसे आपके पास कभी कभार जब ज्यादा पैसे आ जाते हैं आप क्या करते हो, आप कभी मूवी देखने चले जाते हो, कभी फ्रेंड के पास कुछ भी जो पार्टी शार्टी करते हो, तो इसी तरह से फ्रिडमैन क्या कहने लगा, जो एक्सेस मनी लोगों के पास आएगा वो उसको रिड्यूस करेंगे, कैसे, बाय इंक्रीजिंग द एक्सपेंडिचर। नाउ द एक्सेस सप्लाई ऑफ रियल मॉनेटरी बैलेंसेस रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, उसकी वजह से जो रियल मॉनेटरी बैलेंस था लोगों के पास, उसकी वजह से जो ओवरऑल जो टोटल डिमांड थी गुड्स एंड सर्विसेज की वो इंक्रीज हो गई। नाउ अब अगर जो आउटपुट है वो इंक्रीज नहीं होगा, जितनी डिमांड है उसके इक्वल में वो इंक्रीज नहीं होगा, दिस विल लेड्स टू एक्सेस डिमांड, उसकी वजह से जो डिमांड है वो आउटपुट से क्या हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी, उसकी वजह से क्या हो जाएगी, प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी एंड दिस विल लेड्स टू द इन्फ्लेशन। नाउ अगर हम इस सब को अपने वर्ड्स में याद रखना चाहें, सिंपल जो फ्रिडमैन है वो कहता क्या है, जब लोगों के पास जितनी उनकी डिमांड है उससे ज्यादा उनके पास पैसे आए, या आप ये कह सकते हो जितनी उनको रिक्वायरमेंट है डे टू डे लाइफ में उससे ज्यादा पैसे आ जाएं, तो लोग क्या करते हैं, उन पैसों को खर्च कर देते हैं, जो उनको एक्स्ट्रा पैसे आते हैं उन पैसों को वो क्या करते हैं, खर्च कर देते हैं, ठीक है। जब वो खर्च करेंगे उसकी वजह से जो टोटल डिमांड है, यानी जो एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज है, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और अगर उसी स्पीड से उसी रेट पे जो आउटपुट है वो इंक्रीज नहीं हुआ, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी एंड दिस विल लेड्स टू द इन्फ्लेशन। तो ये थी हमारे पास मॉनिटरिस्ट थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन। नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पे खत्म हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।